मोहन चरण माझी ईश्वरों नाम शपथ करूछि जे 24 साल के बाद ओडिशा में सत्ता परिवर्तन हुआ। भारतर संविधान प्रति श्रद्धा। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी ने ओडिशा में सरकार बना ली। बिना अनुराग जो चेहरे ढाई दशक से विपक्ष में थे, अब सत्ता उनके हाथों में है। स्वाभाविक है, सरकार नई है, नीतियां भी अलग होंगी, सरकार चलाने का तौर तरीका भी बदलेगा। लेकिन पिछली और इस सरकार में एक समानता भी है, वो है दोनों सरकार के मुखिया की साधारण छवि। जब तक ओडिशा की जनता ने नवीन पटनायक के हाथों में सत्ता की चाबी दे रखी थी, जिन्होंने पिछले 24 साल में कोई सरकारी आवास नहीं लिया, अब ओडिशा का जिम्मा मोहन चरण मांझी के कंधों पर है, जिन्होंने बिना किसी सियासी बैकग्राउंड के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। शपथ ग्रहण से पहले मोहन चरण मांझी नवीन पटनायक से मिलने पहुंचे, उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। इसके बाद नवीन पटनायक मोहन चरण मांझी को छोड़ने के लिए उनकी गाड़ी तक भी आए। चौकीदार के बेटे मोहन चरण मांझी 4 बार से विधायक हैं और विधानसभा में अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मोहन चरण मांझी ने आदिवासी बहुल क्योंझर जिले से अपना सियासी सफर शुरू किया था। शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेने के बाद 1997 से साल 2000 तक सरपंच रहे और धीरे धीरे बीजेपी से जुड़ गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी गिनती ओडिशा में बीजेपी के कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में होने लगी। साल 2000, 2004, 2019 और 2024 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव जीतकर ओडिशा विधानसभा पहुंचे। ओडिशा में मुख्यमंत्री की तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन इसके साथ ही नए सीएम आवास की तलाश अब तेज हो गई। दरअसल साल 2000 से नवीन पटनायक अपने पुश्तैनी आवास पर ही सारा कामकाज निपटाते थे, जिसे आज भी ओडिशा में मिसाल की तरह पेश किया जाता है। राजनीति की तरह ये मकान भी नवीन पटनायक को अपने पिता बीजू पटनायक के विरासत के रूप में मिली थी। लेकिन अब अधिकारियों पर राज्य के नए मुखिया के लिए आवास खोजना एक बड़ी चुनौती है। जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर के बेहतरीन सरकारी क्वार्टर की लिस्ट तैयार की जा रही है। अधिकारियों ने अब तक कुछ आवास को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है, जिसमें सीएम का शिकायत कक्ष भी शामिल है। ये वही भवन है जो ओडिशा के 11वें मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक का आवास हुआ करता था। लेकिन नए सीएम आवास को लेकर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक एक बार आवास को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसके रिनोवेशन का काम होगा, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री सीएम आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ बीजेपी को ओडिशा में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। तटीय इलाकों में शानदार प्रदर्शन की बदौलत बीजेपी ने ओडिशा में सत्ता का शिखर तय किया और अब बेदाग और साधारण छवि वाले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको बताते हैं कि ओडिशा के सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कौन कौन मेहमान शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो वहां पर मौजूद थे, नवीन पटनायक पूर्व मुख्यमंत्री ओडिशा के वो भी शपथ ग्रहण में मौजूद थे, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री वो भी मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, भूपेंद्र भाई पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहां पर मौजूद थे, विष्णुदेव साय सीएम छत्तीसगढ़ वो थे, मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश थे, हिमंता बिस्व शर्मा सीएम आसाम, नायब सिंह सैनी सीएम हरियाणा, प्रमोद सावंत सीएम गोवा, पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड, मतलब बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे, तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद थे। Z News.